तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि भिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। अपने आप को उद्धार करने के बारे में बात चल रहा था। उद्धार यदा आत्मनात्मानम नात्मानम अभिसाधयेत, परमात्मा हमें इस जगत में भेजे हैं संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य देकर, ताकि हम स्वयं अपने को उद्धार कर सकें। किसी को सहारा लेने का जरूरत नहीं है। ये जागरण का वाणी है, श्रद्धा का वाणी है, विश्वास का वाणी है। और हम कैसे अपने को उद्धार करेंगे? अपना मन ये हमारे उद्धार करता है, दूसरे का कोई सहारा लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो मन कभी कभी बंधु बन जाएगा, कभी कभी शत्रु बन जाएगा। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के पंचम श्लोक के आधार पर। आत्मैव यात्मनः बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो कैसे वह मन शत्रु और बंधु बन जाता है, इसको भी विश्लेषण हम लोग किए हैं कि हम जब अपने शक्ति एवं सामर्थ्य ऊपर श्रद्धाशील होंगे, भरोसा रहेगा, तब और किसी को भरोसा का जरूरत नहीं है। ये पर्याप्त है। लेकिन अगर हम अपना सहारा छोड़कर औरों को सहारा लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तभी हमारा वो मन शत्रु का जैसे बर्ताव करते हैं। एक ही मन दो किस्म हो जाता है, कभी हमारा परम हितकारी बंधु है और कभी परम अनिष्टकारी शत्रु है। इस उदाहरण स्वरूप दिया जाता है कि दूध है वो हमारे जीवनदायी है, पुष्टिकारी है। दूध पीने से बल पुष्टि मिलता है। लेकिन अगर वही दूध अगर सड़ जाए, तब वही दूध जहरीला बन जाएगा, वो हमारा प्राण घाती भी हो सकता है। क्योंकि था तो दूध, अगर कुछ मिलावट हो जाए, सड़ जाए तो बस। वैसे ही हमारा मन जब शुद्ध रहता है, मन में किसी के प्रति निर्भरशीलता नहीं रहता है, स्वतंत्र रहता है, तब वह मन हमारे परम हितकारी बंधु का जैसे हमें सहारा देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन नहीं, मन अगर विषय शक्त हो जाता है और कोई व्यक्ति विशेष घटना वस्तु के ऊपर संबंध मान लेते हैं, गेट अटैच्ड, तब वो विषय शक्त मन हमें गिरा देते हैं, निर्मल रूप से गिर जाते हैं। इसलिए कहा है आपने को उद्धार का कारण बनो और पतन का कारण ना बनो, अपने आप को उद्धार करो। तभी प्रश्न आता है, अगर हम अपने आप को वही आपका आपको उद्धार करें करने में हम समर्थ है, तब हमारे जीवन में जो गुरु शास्त्र संत महात्मा का क्या कोई तात्पर्य नहीं है? उनके जिस संग में जो हमें शक्ति मिलता है, अगर खुद ही हम अपना आप उद्धार कर लेंगे तो उन लोग का क्या रोल बनेगा? व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ आवर गुरु स्क्रिप्चर्स, जो सेंट्स संत सत्संग, व्हाट इज द रोल इफ वी आर कॉम्पिटेंट? तो उन लोग क्या करेगा?
इसके उत्तर में कहा जाता है कि जो संत महात्मा अवतार, ये इसका संख्या कभी कमियां नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ से ही संत महात्मा अवतार आदि दुनिया में आए हैं, लेकिन हमें तो कोई उसमें फायदा नहीं हो रहा है। ये भी फैक्ट है। चारों इज नॉट दैट गॉड इज़ नॉट बॉर्न एज गॉड इज़ नॉट बॉर्न इन अवतार एज बिफोर। बारंबार भगवान अवतार होकर आते हैं, फिर शास्त्र हमारे सामने है, सब कुछ तो है, लेकिन हमारा कोई फायदा तो नहीं हुआ, ये समझने का बात है। तो ये सब रहते हुए भी हमारा कोई कर्म में, हमारा कोई सहारा में नहीं लगा, कारण हम अपने पर जो अपना जो स्वयं का जो शक्ति है वह हम इसके साथ नहीं जुड़ा। हम सोचा कि इन लोग की जो गुरु कृष्ण, ये जो गुरु शास्त्र है और फिरिष्ट है, संत महात्मा है, इसके संग से ही हम निकल जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है गलत, ये है गलती का जड़। इसलिए हम लोग का एक पुराना कहावत है इस प्रसंग में, गुरु कृष्ण वैष्णवेर तीनेर दया हलो, एकेर दया बिने जीव छाड़े खारे गल। पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद सिंह बीरेश्वर नदी जी ये श्लोक हमने हम लोग का बहुत ज़बरदस्ती करके बता देते। याद रखना कि जो एक वैष्णव धर्म का एक बहुत बहुत प्रचलित ये प्रयोग है, वेरी ऑफ्ट कोटेड, वेरी पॉपुलर द सेइंग, कि गुरु इष्ट कृष्ण एवं वैष्णव जो संत का संग सभी मिल जाता है, लेकिन सब मिलने पर एक चीज़ का कमियाँ के लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यही है बात, एकेर दया बिने जीव छारे खरे गलो। ये सब मिला, गुरु का सहारा मिल गया, गुरु का आश्रय मिला है, जिसको मिला है तो फिर गुरु मिल जाए, फिर उसका इष्ट भी है कृष्ण, इन वैष्णव धर्म कृष्ण की इष्ट माना जाता है, एवं जो संत महात्मा है वैष्णव उन लोग भी मदद उपलब्ध है। लेकिन अगर सब कुछ मिलाने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, प्रोवाइडेड वी हैव सम पार्टिसिपेशन। यही है बात, इस नॉट ए 100% एक्टिविटी। ये जो इसलिए कहा जाता है, दैवेन दियमिति का पुरुषा वदंती, जो कावड़ है, जो कापुरुष है, वही खाली कहते सब देवता सब दे देगा, ये अलौकिक उपाय से आ जाएगा, ये कोई सही बात नहीं है, कापुरुष है इन लोग, दे आर द वीकेड पीपल, दे विल नेवर बी एबल टू अचीव। ये जो सीक्रेट है, ये हमारा भी इन लोग का मदद तो है ही है, लेकिन इनको मदद को कार्यकारी करने के लिए हमारा भी योगदान चाहिए। श्रीमा शारदा देवी की सहज भाषा में बाबा कृपा बतास तो बोई छी, तुम्हें पाल तुले दो, द ब्रीज ऑफ ग्रेस इज एवर फ्लोइंग इन अबंडेंस, बट इन ऑर्डर टू मेक दैट ग्रेस इफेक्टिव इन आवर लाइफ वी मस्ट अनफर्ल आवर सेल्स। पाल अगर हम लगा देते हैं तब जो तेजी से जो हमारे पास कृपा का तूफान है वो ये जो हमारा आत्मा प्रतिष्ठा आत्मश्रद्धा इसको साथ मिलित होने पर भी ही पर ही हमारा जीवन आध्यात्मिकता होगा। ये है खास बात कि गुरु का तो कृपा है ही है, इष्ट का कृपा भी है,
एवं संत जन का कृपा तो हमारे ऊपर सतत वर्षित हो रहा है, लेकिन इन सब को कार्यकारी करने के लिए, हमारे जीवन में पालन करने के लिए हमारा मानसिक तत्परता चाहिए, मानसिक योगदान चाहिए। ये तुम करोगे ये करोगे करने से नहीं होगा, हमारा मन का सक्रिय सहयोगी तो होना चाहिए, ताकि ये शरीर मन के साथ ही हम ईश्वर को लाभ कर सकें। नाना प्रकार का जो एक्टिविटी है उसमें हमारे पूर्ण योगदान चाहिए एवं विश्वास रहना चाहिए, आत्मविश्वास कि जो हम बनना चाहते हैं अपने बलबूते बनेंगे, भगवान हमें शक्ति दिया है उस शक्ति को यूटिलाइज करेंगे। और शक्ति ऊर्जा हमारे भीतर है, उसको हम अगर सदुपयोग में लगा दें, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वह शक्ति मिलेगा, वी डी नॉट वरी, अपने आप भरपाई हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कहा गया है कि एक का दया चाहिए, गुरु का दया मिल गया, मनुष्योत्तम मुखसूत्र महापुरुष संशय सब कुछ मिल गया, महापुरुष संशय मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, इष्ट का भी जो संस्नेह आशीर्वाद वो भी मिल रहा है, लेकिन एक का दया बिना जीव छड़े खड़े गलो, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। एक चीज़ का वो है अपना मन, तो अपने मन को भगवत केंद्रित करना पड़ेगा, एवं भगवान से जुड़े हुए मन को अगर हम काम में लगाए तब सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि कृपा बता, जो नाव चल रहा है, नाव में बहुत अच्छा तेज़ी से हवा चल रहा है, तो हवा को हमारा नाव के लिए काजू के लिए करने के लिए क्या करते हैं, आपको पाल खटाना पड़ता है, यू टू अनफॉल द सेल, पाल अगर जो पर्दा है वो हम जो लगा देंगे, तब जो बतास का जो मोमेंट है वो हम यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन पाल तो खटाना पड़ा। सिर्फ हम कुछ नहीं करेंगे भगवान सब कुछ कर देंगे, कभी होगा नहीं, दैट इज नॉट द प्लान ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का प्लान है मैचिंग ग्रांट, जो आज के ज़माना में है, ये सरकार को अनुदान मिलता है, जो जगह मिलता है वो है मैचिंग ग्रांट, हम भी सरकार भी दे रहे हैं, आपको भी कुछ डालना पड़ेगा, जो आपको पूरा प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार पूरा मदद नहीं करेगा, मेजॉरिटी विल बी गिवन, बट ए स्मॉल फ्रैक्शन यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू मेक इट ए कंप्लीट पैकेज। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने बलबूते अपने को उद्धार करो, एवं जब हम प्रयास करते हैं अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्प लेते हैं, तभी भगवान का कृपा भी बहमान हो जाता, भगवान कृपा है हम समझ पाएंगे, वी कैन मेक देयर ग्रेस इफेक्टिव इन अवर लाइफ, ये होना चाहिए, तभी हमारा मन ईश्वर केंद्रित होगा, भगवान के वो धीरे से बढ़ते रहेंगे। तो हमारे अपने को उद्धार करने का जो उपाय बताया वह है अपने मन का सहारा लेके जाना पड़ेगा, एवं मन का सहारा तभी होगा जब हम मन को शुद्ध पवित्र करेंगे, मतलब मन हमारा अपनी निजी शरीर मन इंद्रियां ये सब से अलग कर देना पड़ेगा। हमारा जो अस्तित्व है वो शरीर मन इंद्रियां ये सब लेकर नहीं, ये सब बहिरावरण है, वो आवागमन है एवं उत्पत्ति विनाशशील, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस। जब हम इन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंस सहारा छोड़ देते हैं, तभी वहाँ पर भगवान आके उपस्थित होता है। जितना दिन हम दुनिया को पकड़ के रहना चाहेंगे तब तक भगवान को आशीर्वाद महसूस नहीं होगा, जैसे हम उसको छोड़ा है और वो भी चला गया, कभी कभी हम लोग छोड़ते हैं वो भी दुनिया के संजोग भी चला जाता है, जब उससे हमारा विजुक्ति होगा तभी ईश्वर के साथ संयुक्ति का मुहूर्त है, यही है बात। तो हमारी जो जीवन है वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
जीवन को सार्थक करने के लिए हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि इस जीवन में जो हमारा प्राप्ति हुआ है, इस जीवन में वो हमारा रक्षणाभक्षण के लिए हमारा आंतरिक प्रचेष्टा प्रार्थना जरूरी है। हमारा अगर जरूरत, हमारा अगर योगदान नहीं रहेगा, अगर अपने पर विश्वास नहीं होगा, तब हम जल्दी ही अशुभ शक्ति का शिकार बन जाएगा, हमारा पतन का कारण बनेगा। टू मेक कंटिन्यूसली द एफर्ट टू अपहोल्ड आवर स्टेशन ऑफ लाइफ, जो जिस मन में भगवान का कृपा आके उपस्थित हुआ है वो कोई कम नहीं है, उसके ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और जब हम अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपना शरीर मन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तब ज़रूर भगवान के आशीर्वाद से हमारा जीवन सार्थक एवं ईश्वर को दर्शन करने का आनंद में भरपूर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बृहस्पतिवार का अवसर है, कुछ प्रोग्राम अलग कुछ नहीं है। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।